After a lot of men's grooming products test, here we are with the best moisturizers your money can buy. भाई तुम लोगों के comments सारा आँखों पर जो जो चीजें तुम डिमांड कर रहे हो वैसी वैसी हम लेकर आ रहे हो, तो थोड़ा भाई सब्सक्राइबर रेशो भी हमारा बढ़ा दो यार, इतना ज्यादा डिफरेंस. आज है अपने पास एज यूजुअल तीन स्किन टाइप. सबसे पहली है सुपर ऑयली, ऑयली एंड कॉम्बिनेशन. और मेजोरिटी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें चाहिए ऑयली बेस के लिए एक मॉइस्चराइजर, तो भाई वी आर गोना टेस्ट देम ऑल टुडे. लेकिन एक ट्विस्ट है तुम्हारा टाइम बचाने के लिए, ये आफ्टर टेस्ट में तुम्हें सामने सामने सीधा रिव्यू इसका दिखाऊंगा, सो दैट तुम्हें वो टेस्टिंग वाले फेज में अपना टाइम ज्यादा ना लगाना पड़े. तो ये वीडियो एट प्रेजेंट जो शूट हो रही है ये आफ्टर टेस्ट. टेस्ट का क्राइटेरिया ऐसा रहेगा, 4 मॉइस्चराइजर्स पर पर्सन हम देंगे. सुपर ऑयली स्किन के लिए ये वाले मॉइस्चराइजर्स होने वाले हैं, ऑयली स्किन के लिए ये वाले, और कॉम्बिनेशन स्किन जो कि मेरी है उसके लिए ये वाले मॉइस्चराइजर. तो सारे टेस्ट होकर जो मेरे पास रेटिंग्स आई है ना, जरा उनके बारे में बात कर लेते हैं. इनको मैंने डिवाइड कर दिया जिस तरीके से मैंने तुम्हें सेगमेंटेशन बताई थी, सुपर ऑयली, ऑयली एंड कॉम्बिनेशन. तो कॉम्बिनेशन की सबसे पहले बात करते हैं हम. राइट साइड में हम लगाने वाले हैं इतनी क्वांटिटी में ही सिर्फ रिक्विल को, एंड सेम क्वांटिटी हल्का सा और ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा कम रह गया. एंड यहाँ पर क्वांटिटी तुम लोगों को दिख रही होगी किस तरीके की है. सेम क्वांटिटी हम वाटर बेस्ड न्यूट्रोजिना की भी लेंगे अपने लेफ्ट साइड में. कॉम्बिनेशन में अनफॉर्चुनेटली जो फोर्थ नंबर पे आता है वो है न्यूट्रोजिना का हाइड्रो बूस्ट हाइलुरोनिक एसिड वाला ये मॉइस्चराइजर. वैसे तो देखो जितने भी मैं तुम्हें मॉइस्चराइजर्स दिखा रहा हूँ इस वीडियो में उनमें से कोई भी बुरा नहीं है, क्योंकि मैंने सिलेक्टेड ही रखे हैं और मैंने ऐसे ब्रांड्स के नहीं रखे जैसे कि एक्वालॉजिका है तो उसका डर्मा एंड को भी सेम ब्रांड की तरफ से आता है, डॉक्टर शेड भी सेम तरफ से आता है, और फिर मामा अर्थ, ये सब सेम ब्रांड के कहीं ना कहीं फॉर्मुलेशन में प्लस माइनस करके तो डाल देते हैं, उस वजह से इनको मैंने इंक्लूड नहीं किया. और हाँ, मुझे पता है कि तुम लोगों में से काफी लोग कमेंट करेंगे कि मैं ये वाला मॉइस्चराइजर यूज करता हूँ, ये बेस्ट है, आपने ये वाला लिया, वो वाला लिया. ये मेरी लिस्ट है जो मुझे अच्छे लगे हैं, तो इसके ऊपर तुम अपने हिसाब से जो तुम्हें अच्छा लगता है अपने कॉमेंट्स बता सकते हो, हम इन फ्यूचर उनको भी ट्राई कर लेंगे. कमिंग बैक टू न्यूट्रोजिना हाइड्रो बूस्ट, देखो टू बी ऑनेस्ट दोनों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है. न्यूट्रोजिना से मुझे इतनी उम्मीदें नहीं थी, लेकिन इनका एक डिटेल्ड रिव्यू मैं तुम्हें अभी दूंगा कि क्या किस में प्रॉब्लम है, क्या किस में ज्यादा अच्छा है. मेरे हिसाब से अभी दोनों ने अच्छा परफॉर्म किया. ये ऑल स्किन टाइप के लिए एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन वाला मॉइस्चराइजर है. थोड़ा सा ज्यादा वॉटरी मुझे लगा, लेकिन ये ज्यादा अच्छा होता है तुम्हारी ड्राई स्किन के लिए. ऑयली स्किन के लिए मैं इसको रियली रिकमेंड नहीं करूंगा, उतना ज्यादा कंट्रोल नहीं कर, मतलब लिखा है इसमें कि ये ड्राई स्किन के लिए ज्यादा अच्छा है. एंड आई थिंक इसमें एक डिसएडवांटेज मुझे और लगी कि 50 ग्राम्स का ये प्रोडक्ट ना तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव देखने को मिलता है. अराउंड 800 to 850 rupees एग्जैक्ट प्राइस यहाँ पे मैंशन होगा, तो इसलिए इसको फोर्थ नंबर पे रखा है. एंड ऑब्वियसली इसका ड्राई डाउन थोड़ा सा स्लो है बिकॉज दिस इज अ वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर. लेट्स होप ऑन टू द थर्ड, देखते हैं कौन आया. थर्ड नंबर पर अनफॉर्चुनेटली आता है रिक्विल का सेरामाइड. इससे मुझे थोड़ी सी ज्यादा उम्मीदें थी. ये बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि इसने गंदा परफॉर्म किया, इसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जिनसे मैंने इसको कंपटीशन में रखा है उनसे थोड़ा सा इसने एवरेज ही परफॉर्म किया. दिस इज फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन. एंड इसका जो अच्छा फैक्टर मुझे लगा कि इसने स्किन को काफी सॉफ्ट एंड सबल रखा, बिल्कुल मुझे किसी टाइप का भी ऑयलीनेस फील नहीं होने दी. अच्छी बात इसके अंदर ये कि सेरामाइड के साथ साथ इसमें हाइलुरोनिक एसिड भी है, विच इज रियली गुड फॉर योर ग्लोइंग स्किन. एंड मेरे हिसाब से ग्रेट वैल्यू फॉर मनी. जिस प्राइस पॉइंट में ये मिलता है 100 ग्राम्स, इट्स एब्सोल्युटली वर्थ इट. लास्ट के दो जो मेरे पास बचे हैं सेरावी एंड सिंपल. लेट्स सी कितने सिंपल है फेस पे लगाने के लिए. सेरावी तो भाई काफी इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट ब्रांड बन चुका है, क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइजर है, विच मींस कि ये थोड़ा सा ज्यादा मॉइस्चराइज कर सकता है स्किन को. लेट अस सी. एंड सिंपल ऑन द अदर हैंड आई थिंक वाटर बेस्ड है, एबीस में नहीं है, हल्का सा ये वाटर बेस्ड ही है. तो अब इनको मिल से पहले देखते हैं क्या रिजल्ट रहते हैं. काफी अच्छा परफॉर्म किया है सेरावी से, मुझे उम्मीदें जितनी थी उसने वो उतना अच्छा परफॉर्म किया है. सिंपल ने ऑन द अदर हैंड थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट किया है, लेकिन इसका मैं प्रॉपर रिव्यू तुम्हें अब देता हूँ. सेकंड आ जाता है फॉर कॉम्बिनेशन स्किन इज नदर देन सिंपल हाइड्रेटिंग जेल क्रीम. मेरे हिसाब से ये ड्राई स्किन के लिए ज्यादा सुटेबल है रादर देन कॉम्बिनेशन स्किन. और ये आता है एचयूएल ब्रांड की तरफ से ये आता है, जिसके भाई और भी नॉर्मल प्रोडक्ट्स तुम्हें देखने को मिलते हैं मार्केट में जो कि ड्रग स्टोर प्रोडक्ट्स भी होते हैं. मेरे हिसाब से एक गुड वैल्यू फॉर मनी है. ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव साइड पे आता है रादर देन जो नॉर्मल एचयूएल के प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे. एंड जैसे इसको तुम फर्स्ट टाइम लगाओगे तुम्हें लगेगा यार ऐसा मॉइस्चराइजर लगाया जो बिल्कुल ड्राई डाउन हो नहीं, लेकिन थोड़ा सा जैसे तुम इसको टाइम दोगे इट विल ड्राई डाउन इवेंचुअली. सो या कमिंग एट नंबर सेकंड दिस वन. और फर्स्ट पर आता है नन अदर देन सेरावी. मुझे इससे भाई अलग ही प्यार हो गया जैसे इसको मैंने लगाया, अभी तक मेरी स्किन पे है ये एंड आई कैन फील द मॉइस्चराइजर ऑन माय स्किन. मुझे ये फैक्ट पता ही नहीं था, आई एम सरप्राइज टू सी कि ये एक लॉरियल का ब्रांड है और ये बहुत ज्यादा महंगा भी नहीं आता. ये बजट में तुम्हें देखने को मिलेगा रादर देन जो मैं तुम्हें आगे दिखाने वाला हूं उनके कंपैरिजन में. एंड प्रोड्यूसेस अ ग्रेट टेक्सचर ऑन स्किन. इंग्रेडिएंट्स भी अगर मैं देखूं तो इसके ओके है. मुझे ऐसा कहीं से भी लगा कि लॉरियल जो यूजुअली यूज करता है कहीं ना कहीं ऐसे सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स पे, तो वो इसमें मुझे नहीं देखने को मिला. आई थिंक दिस इज वैल्यू फॉर मनी इन बजट एंड दैट्स व्हाई कमिंग एट नंबर फर्स्ट. इसका बेटर वर्जन अगर तुम्हें चाहिए ना तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. वैसे सबके लिंक्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. उसका नॉन कोमेडोजेनिक वर्जन है जो कि होता है लोशन इसका. अब लोशन में और नॉन कोमेडोजेनिक का ये मतलब होता है कि वो तुम्हारे पोर्स को ब्लॉक नहीं करेगा एंड उनको इजिली ब्रीथ करने देगा, जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन या पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली.
मेरी ऑयली स्किन है एंड आज मैं यूज़ कर रहा हूँ प्लम के मॉइस्चराइज़र। दोनों प्लम के ही है, एक हमारा ग्रीन टी है, एक हमारा राइस वाटर है। देखते हैं दोनों में से कौन अच्छा होता है। राइट साइड पे हमने लगाया था प्लम का ग्रीन टी वाला, जल्दी मल्सीफाई हो गया, थोड़ा सा स्टिकी हो गया ये ड्राई होने के बाद। पर जो हमने लेफ्ट हैंड साइड पे लगाया था प्लम का राइस वाटर, वो जेल बेस्ड था तो इसलिए मल्सीफाई होने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया उसने, पर स्टिकी नहीं हुआ ये और काफ़ी अच्छा है। दोनों की फ्रेग्रेंस काफ़ी अच्छी है। मैं लगा रहा हूँ डर्माफीक एंड एक्वालॉजिका, डर्माफीक राइट हैंड साइड पे, एक्वालॉजिका लेफ्ट हैंड साइड पे। लेट्स सी कैसा रहता है। सो अभी मैंने लगाया था डर्माफीक लेफ्ट हैंड साइड पे, एक्वालॉजिका राइट हैंड साइड पे एंड दोनों ने ही काफ़ी अच्छा काम किया है, दोनों ने मैट फिनिश दी है। अब आ जाते हैं ऑयली के वर्डिक्ट पर एंड फोर्थ नंबर मिलता है नन अदर देन प्लम के मैटिफाइंग इस मॉइस्चराइजर को। मुझे इससे ज्यादा उम्मीदें थी भाई, क्योंकि मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर का ये मतलब होता है कि तुम्हारी स्किन बिल्कुल मैट फिनिश में हो जानी चाहिए इसको लगाते ही। लेकिन जैसे इसको तनिष ने लगाया मुझे वो फील आई नहीं, मुझे ऐसा लगा इसने कोई नॉर्मल मॉइस्चराइजर लगाया है। और इसका जो प्राइस है जो कि 400 से ऊपर का तुम्हें देखने को मिलेगा, उसके हिसाब से इतना ज्यादा जस्टिफाई इसने करा नहीं। दिस इज अ गुड प्रोडक्ट, डोंट थिंक अदरवाइज कि ये मैंने क्या ले लिया है। लेकिन अगर मैटिफाइंग की मैं एक्चुअल बात करूं तो इसने वो प्रोवाइड नहीं किया ऑन द स्किन। दूसरा, इसके इंग्रेडिएंट्स जो है मुझे इतना ज्यादा अच्छे नहीं लगे, मुझे ऐसा लगा कि कुछ बहुत ज्यादा इसमें एक्स्ट्रावेगेंजा चीज है। बस ग्रीन टी एक डाल दी है, ग्रीन टी इज नॉट प्रूवन टू गिव यू एक्सेसिव अच्छी स्किन। बट हाँ, एक नॉर्मल मॉइस्चराइजर तुम्हें चाहिए विदाउट एनी अदर बेनिफिट्स, क्योंकि तुम हाइलुरोनिक एसिड जैसी चीजें जो होती है वो पहले भी लगा सकते हो, तो उसके हिसाब से एक गुड मॉइस्चराइजर है इन दिस बजट। थर्ड पोजीशन मिलती है भाई इस बड़े से डब्बे को, देख रहे हो इतना बड़ा लग रहा है इसमें, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या डाल रखा है। और ये है एक्वालॉजिका का 5 बैरियर हाइड्रा जेल, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है। थर्ड इसको इसलिए मैंने पोजीशन दी है बिकॉज इसके अंदर भी तुम्हें जो वाटरी टेक्सचर है ना वो इतना स्मूथ देखने को नहीं मिलता। इंग्रेडिएंट्स में प्रॉब्ली इन्होंने काफी अच्छा काम किया है और वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट है। आउट ऑफ 12 के 12 मॉइस्चराइजर में से ना इसकी वैल्यू 200 ml की है और तुम्हें प्राइस पॉइंट भी काफी 400 रुपए से नीचे 350 रुपए का आई थिंक देखने को मिलता है, यहाँ पे स्क्रीन पे आ रहा होगा। ऑल दो वाटर बेस्ड है, ट्रैवल फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर तुम इसको स्किन पे लगाते हो तुम्हें ऐसा कोई डिफरेंशिएशन देखने को नहीं मिलती है। बट हाँ, अगर तुम एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर को ज्यादा पसंद करते रहते हैं ऑयल बेस्ड या फिर क्रीम बेस्ड, तुम इसकी तरफ इजीली जा सकते हो। सेकंड पोजीशन मिलती है ऑयली स्किन में इस प्लम के मॉइस्चराइजर को। इसके अंदर भाई काफी अच्छी चीजें हैं जो मुझे पर्सनली फील हुई एंड मैंने जो तनिष्क की स्किन पे भी देखा, उसने बताया कि ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब हुआ रहता है मैटिफाइंग वाला। हमने दोनों को साइड बाय साइड जब टेस्ट किया था तो मैटिफाइंग से अच्छा ये इसलिए हुआ क्योंकि एक तो ये वाटर बेस्ड है, दूसरा इसमें राइस वाटर प्लस नायासिनमाइड है जो कि अच्छा इंग्रेडिएंट है फॉर अ मॉइस्चराइजर, तो तुम इसकी तरफ लपक के जा सकते हो। वैल्यू फॉर मनी है, अगर तुम्हें मैटिफाइंग की तरफ से ज्यादा अच्छा लग रहा है तो मेरे हिसाब से ये उससे ज्यादा बेटर चॉइस बन जाती है। क्विक एब्जॉर्प्शन, वाटर बेस्ड एंड गुड फॉर ऑयली स्किन, ऑयल बिल्कुल कंट्रोल कर देगा। फर्स्ट नंबर पर आता है भाई डर्माफीक का ये ऑयली स्किन बेस्ड मॉइस्चराइजर एंड कहीं ना मुझे क्लिनिक जो एक ब्रांड आता है काफी महंगा है जिसके मॉइस्चराइजर, उसकी कॉपी लगी। दिस इज अ ब्रांड ITC जो भाई एक अच्छे प्रोडक्ट्स बनाते ही हैं ऑब्वियसली, अगर तुमने उनके कुछ भी प्रोडक्ट लिया होगा तो तुम्हें पता होगा। बढ़िया पैकेजिंग, एफिकेसी थोड़ा सा प्राइजियर साइड पे है लेकिन उस तरीके की क्वालिटी भी तुम्हें प्रोवाइड करता है। इसको मैंने पैच टेस्ट किया था अपनी स्किन पे एंड इतना इजीली एब्जॉर्ब कर लिया। ऑयली स्किन का जो ऑयल होगा, जो एक्सेसिव ऑयल होगा, उसको इजीली कंट्रोल करने में तुम्हारी काफी अच्छे से हेल्प करने वाला है। दिस इज अ गेम चेंजर एंड आई थिंक इफ यू वांट टू चेक दिस आउट, लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। एंड ये सारा का सारा भाई ऑनेस्ट ओपिनियन है, किसी ब्रांड ने कोई पैसे नहीं दिए कि हाँ खरीदो और हमारे बारे में बोलो, नहीं। तो पहले मैं यूज करूंगा डॉट एन की का हाइड्रेटिंग जेल और रिक्विल का मैटिफाइंग मॉइस्चराइजर। तो इस वाले हाफ पे डॉट एन की है और उस वाले हाफ पे रिक्विल होगा। तो हमारा इस साइड डॉट एन की था और इस साइड रिक्विल था, तो मेरे को ऐसा लगता है कि डॉट एन की ने हल्का सा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा और जल्दी स्किन को स्किन पे से ऑयल हटा दिया एज कम्पेयर टू रिक्विल। इसको थोड़ा इमल्सीफाई होने में भी टाइम लगा, तो मेरी तरफ से विनर जो है वो डॉट एन की है। तो मैं यूज करूंगा राइट हैंड साइड पे सेबमेंट और लेफ्ट हैंड साइड पे केमिस्ट एट प्ले, तो देखते हैं दोनों कैसे परफॉर्म करते हैं। तो जैसे कि मैंने राइट हैंड साइड पे सेबमेंट लगाया था और लेफ्ट हैंड साइड केमिस्ट एट प्ले, तो केमिस्ट एट प्ले ने इंस्टेंटली मतलब अराउंड 20-30 सेकेंड्स के अंदर ही ऑयल को कंट्रोल कर दिया और मतलब बाहर नहीं आने दे रहा एज कम्पेयर टू सेबमेट। प्लस केमिस्ट एट प्ले की फ्रेग्रेंस डॉट एन की से भी अच्छी है, तो आई वुड सजेस्ट कि केमिस्ट एट प्ले ज्यादा अच्छा है। अब आ जाते हैं हम सुपर ऑयली के वर्डिक्ट पर। यहाँ पर जिसको फोर्थ नंबर मिला है वो अगेन मैटिफाइंग रिक्विल का ही है भाई,
और मुझे लगा था कि मैट वाले जितने भी मॉइस्चराइजर है ना वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे फेस पर। इनके साथ एक प्रॉब्लम जो मैंने देखी और जो करण ने भी अपने फेस पर देखी वो ये था कि इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो रहे थे एंड जो इसका आफ्टर इफेक्ट था वो भी इतना ज्यादा मैटिफाइंग नहीं था कि वो ऑयल को कंट्रोल कर पाए। ऑल्दो इसकी जो जेल फॉर्मुलेशन है वो मुझे ज्यादा अच्छी लगी, जैसा कि मैंने कहा कि सारे मॉइस्चराइजर तुम इसमें से कोई भी आंख बंद करके भी उठा लोगे तुम्हें सारे अच्छे लगेंगे, लेकिन इसका जो जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है वो क्रीम वाले से कहीं ना कहीं मुझे सुपीरियर लगा। तो तुम्हें जो ऑयली स्किन में अभी जितने भी देखे हैं मॉइस्चराइजर उनसे सुपीरियर ये वाला प्रोडक्ट तुम्हें लगने वाला है। इसका प्राइस पॉइंट भी यहाँ पर आ रहा होगा, शायद तुम्हें अच्छा लग जाए, सो यू कैन गो फॉर इट। काफी एफिशिएंट प्रोडक्ट है, लेकिन हाँ अभी सुपर ऑयली की हम बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ ये फोर्थ पे आ रहा है। थर्ड आ जाता है भाई सेबामेड, एंड मैं भाई हैरान था कि सेबामेड जैसा ब्रांड भी थर्ड नंबर पे आ रहा है, जस्ट बिकॉज मुझे ये लगता है कि इसने काम काफी अच्छा किया है, लेकिन जिस हिसाब की इसकी वैल्यू फॉर मनी है ना वो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगी। ऑब्वियसली सेबामेड एक भाई इंटरनेशनल ब्रांड है, इसकी जितनी भी कंसिस्टेंसी होगी, जो कॉन्सेंट्रेशन होगी, जो फॉर्मुलेशन होगी वो महंगी पड़ती होगी, बट हमें बस ये देखना है कि हमारी पॉकेट के हिसाब से, बजट के हिसाब से क्या बेस्ट बैठ रहा है। ओवरऑल ऑल इन ऑल ये मुझे काफी अच्छा लगा। अगर तुम्हारी सुपर ऑयली स्किन आंख बंद करके अगेन यू कैन यूज दिस, 50 ml का ये वाला मिलता है तुम्हें तो मेरे हिसाब से काफी कम है, 1-1.5 महीने में खत्म हो जाएगा इफ यू आर यूजिंग थोड़ी क्वांटिटी भी। एंड हाँ, इसको अपनी छोटी क्वांटिटीज में लगाना अगर तुम्हारी सुपर ऑयली स्किन है तो, बट यार रियली ग्रेट वन एंड तुम्हें एक्चुअल डिफरेंस दिखाएगा मॉइस्चराइजेशन में होता गया है। सेकंड आ जाता है डॉट एन की, एंड इसकी जिस तरीके की पैकेजिंग आई रियली लाइक इट। इसका जो मॉइस्चराइजेशन है ना वो है वॉटर बेस्ड, एंड वॉटर बेस्ड थोड़ा सा स्लाइटली डिले देता है एब्जॉर्प्शन में, एंड लेकिन जब ये एब्जॉर्ब होता है ना तो थोड़ा सा भाई तुम्हें ऐसा फील होगा कि कुछ ना कुछ फेस पर ऑलरेडी है, जो कि एक काफी अच्छी बात भी है क्योंकि मॉइस्चराइजेशन का मतलब ही वो। लेकिन जैसे तुम इसको मैटिफाइंग एक सनस्क्रीन के साथ फॉलो अप करते हो ना तब तुम्हें पता चलेगी कि इसकी जो कीमत है एक्चुअल वैल्यू है। सो या सेकंड पर तो है लेकिन ये भी काफी अच्छा है, एंड 72 आवर्स तक ब्रांड क्लेम करता है कि तुम्हारी हाइड्रेटिंग स्किन रखेगा, बट मेरे हिसाब से अगर तुम्हारी ऑयली है ना तो वो उसके साथ मिक्स करके बता रहा है। वैसे अगर तुम्हारी ड्राई स्किन पे तुम इसको यूज कर सकते हो तो भी भाई ये अच्छा काफी परफॉर्म करने वाला है। अगेन लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, डू चेक इट आउट। लास्टली जो फर्स्ट नंबर पर आता है फॉर सुपर ऑयली स्किन वो है केमिस्ट एट प्ले। ये छोटी सी बॉटल अगेन 50 ग्राम्स की है, लेकिन इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी काफी अच्छी थी, एंड जिस हिसाब से मैंने स्किन पे देखा वो एब्जॉर्ब भी क्विकली हुआ था। अब फ्रेग्रेंस है तो इसका मतलब कि दिस इज नॉट ऑल नेचुरल, लेकिन उस एस्पेक्ट को मैंने हटा दिया बिकॉज कईयों की स्किन पर वो डिफरेंस इतना दिखाता नहीं अगर फ्रेग्रेंस डाली भी हो या ना भी डाली हो। क्वांटिटी के बारे में अगर मैं इसकी बात करूं तो बहुत ज्यादा मत लेना, थोड़ी बिल्कुल पी साइज का भी आधा साइज अपने फेस पर लगा के डैब 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 करके इसको फिर इमल्सिफाई करना, क्योंकि अगर तुमने ज्यादा लिया तो तुम्हें एक्स्ट्रा मॉइस्चराइज लगेगा, उतना ज्यादा तुम्हें शायद फील करने की जरूरत भी नहीं है। और हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात कि इसमें काफी सारे एसिड्स हैं, तो अगर तुम्हारी सेंसिटिव स्किन है पहले ये समझना, तो ये तुम्हारी स्किन पर हल्की सी जलन दे सकता है। तो अगर तुम्हारे पास वैसी वाली चीज है तो तुम डॉट एंड की तरफ जा सकते हो, या फिर तुम्हें कोई भी और इसकी तरफ से पसंद आ रहा है जितने भी तुम्हें दिखाए हैं मॉइस्चराइजर ऑयली स्किन के लिए, सुपर ऑयली स्किन के लिए, तुम वो प्रेफर कर सकते हो। तो भाई आप लोगों की डिमांड पर ये सारे के सारे मॉइस्चराइजर्स रिव्यू हो चुके हैं, सबके लिंक्स जैसा कि मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएंगे। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, वी आर दिस क्लोज टू अचीव दैट 200K मार्क। एंड ये वाली वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जिनकी ऑयली सुपर ऑयली कॉम्बिनेशन स्किन है। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी स्टे स्टाइलिश, सी यू इन द नेक्स्ट वन। कमेंट करना मत भूलना नेक्स्ट टॉपिक के लिए। बाय बाय।